लाख फॉर्म भरे हुए हैं, 17 मान के चलो, एक बच्चे ने दो दो तीन तीन फॉर्म भर दिया तो भी 10 लाख फॉर्म है। और तैयारी करने वाले अकेले तुम ही नहीं हो, जो यहाँ लाइव आ रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, जो घर बैठे हैं वो भी है। यहाँ जो व्यू आते हैं 50,000 60,000, सिर्फ इतने ही नहीं है तैयारी करने वाले, तैयारी करने वाले बहुत है, यानी कोई कमी नहीं है तैयारी करने वालों की। तुम अगर एक दिन भी वेस्ट करते हो ना, एक दिन भी, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई बार बच्चा पेपर देने जाता है, किसी एक क्वेश्चन को वो ऐसे कई बार आ जाए, मटर गस्ती कर तो चेप दे भरते हो रे बह भरते हो, उन्हें नहीं पता कि तुमने एक प्रश्न गलत नहीं किया है, तू लाखों लोगों से पीछे हो गए। यानी एक क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो ना, तो लाखों लोगों से पीछे होते हो, एक एक पॉइंट पे लाखों लोग होते हैं। कई बार वेटिंग आती है पॉइंटों पे कितने ही लोग होते हैं, क्योंकि लड़ाई जब पेपर लिया जाएगा ना, तो 100 प्रश्नों में से 50 से 55 क्वेश्चन हर किसी को आएंगे। कभी आपने देखा है पेपर देने जा और 12 निकलता है, कई मानो वो कहेगा लरे 50 तो मेरा ही बनन लाग रहा है, थोड़ा सो पढ़ ले तो नहीं तो सिलेक्शन हो जाता मुना, 50 हर किंगा ही पड़े ये ऊपर जानी जो जोर आवे, 60 70 से ऊपर अगर आप 1-1% ऊपर चढ़ते हो ना, तो जोर आता है भाई साहब, क्योंकि अंतिम लड़ाई वही होती है, 50-55% हर किसी की आएंगे, और इन 50-55% से कुछ नहीं बटने वाला है। जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, उस दिन अफसोस नहीं होना चाहिए यार तैयारी नहीं, उस दिन ये मत कहना कि यार थोड़ा सो पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाए, तो वो बस वो थोड़ा सो चुके नहीं, वो थोड़ो को नहीं है, वो पूरे 2 साल के ऊपर जाओ, हो सकता है अगली भर्ती तक आप कमेंट दिखाना, अगली भर्ती तक आप ओवरएज भी हो जाओ, कोई जरूरी नहीं है, ये लास्ट मौका है, हम चाहते हैं कि आप लास्ट मौके में मिठाई लेके आओ। हाँ, आपके भी क्या बोलते हैं उसे, स्वामणी बोले नहीं अपने हनुमान जी महाराज की वे, हाँ